नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस सेशन में क्लास 9th के स्टूडेंट्स साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में निश्चित तौर पर आपके मन में दिलचस्पी होगी, रुचि होगी और आप जानने के इच्छुक भी होंगे। और ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एटम क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये सब कुछ पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधांशु शर्मा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्वागत के लिए और इस अवसर के लिए कि मैं बच्चों को आज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में कुछ बताऊं और उस पर चर्चा करूं। जी, और अपने दर्शकों को, अपने छात्रों को बता दें, व्यूअर्स को बता दें कि आप हमारे साथ इस इंटरेक्टिव लाइव सेशन में लगातार जुड़े रहते हैं और इस दौरान आपके मन में कई बार प्रश्न भी उठते होंगे। तो कुछ प्रश्न उठें, कुछ आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 8800440559, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस के जरिए भी आप हम तक पहुँच सकते हैं। ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। तो इस माध्यम से, इन माध्यमों से आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहिए और सेशन में लगातार बने रहिए। आज का जो टॉपिक है उसे सीखिए, समझिए, क्योंकि ये आने वाले समय में, आने वाली क्लासेस में आपके बहुत काम का होगा। सर, शुरुआत किस तरह से करेंगे? एटम क्या है ये अगर हम ब्रीफ में अपने बच्चों को, अपने दर्शकों को, छात्रों को बताएं। बिल्कुल सर, जैसे सर जो है हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल्स हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी, इसी तरह से हमारे आसपास जितना भी मैटर है, जितना भी सब्सटेंस हम देख रहे हैं, कैसा भी हो, चाहे वो लकड़ी की टेबल हो, हमारी शर्ट हो, है हमारे पास, वो सारे कंप्राइज किससे हो रहे हैं? एटम से कंप्राइज हो रहे हैं। ठीक है, और इस जो है स्लाइड में या इस जो है चर्चा में हम जानेंगे कि एटम जो है होता क्या है, एक एटम दूसरे एटम से अलग कैसे होता, क्या जो है एक दूसरे मैटर को दूसरे मैटर से जो अलग कर देता है, और एटम की जो है प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या पहले प्रपोज हुई थी, क्या बाद में हुई हैं, और कैसे कैसे जो है चेंजेस आए हैं एटम की थ्योरी में, एटम्स के मॉडल में, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे मुख्यतः, और देखेंगे कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड। हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है, जो कुछ भी है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। और डिफरेंट मैटर जो होते हैं, डिफरेंट मैटर में डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग होता है। और एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट। और क्या होता है एटम में? केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम बना किससे होता है? एटम और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके बारे में हमने जो है 20वीं सदी में ही जाना, उससे पहले हम नहीं जानते थे। उससे पहले हम यही जानते थे कि बस एटम ही सबसे छोटा जो है पार्ट है, और उसके अलावा जो है सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम नहीं जानते थे। बाद में जब वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोज करी, डिस्कवरी करी, और फिर जो है हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला। यहाँ पे एक जो है हम ये पूरे जो है कॉम्प्लेक्स एटम का जो है एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये और ये फिर ग्रीन ग्रीन है, ये हमारा जो है क्या, न्यूट्रॉन है। और ये जो आउटर बाउंड्री है ब्लैक कलर की, जिसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है हमारी ऑर्बिट्स में जो है रोटेट कर रहे हैं। तो देखेंगे कैसे कैसे इनके बारे में जो है डिस्कवरी हुआ और क्या क्या चीजें जो है आगे आई, क्या थ्योरी जो है डेवलप हुई है हमारे पास। तो सबसे पहले जो है मैटर होता क्या है? मैटर में कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये इतना हम जानते थे। मैटर हैव द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये म्यूचुअली एक दूसरों को बैलेंस करते हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के चार्ज के मैग्नीट्यूड को म्यूचुअली बैलेंस करते हैं। और ये डिस्कवरी जो है जे.जे. थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की, 1900 में इनको अवार्ड मिला था इसके लिए, 1906 में, मतलब 1900 में, सन 1900 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिला था जे.जे. थॉमसन। इनके बारे में ये भी कि इनके जो 6 शिष्य थे उनको भी लगातार नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, और फिर हमारे पास ई गोल्डस्टीन आते हैं, 1886 में उन्होंने डिस्कवर किया कि एक रेडिएशन निकल रही है डिस्चार्ज ट्यूब से, उसको उन्होंने जो है कैनाल रेस नाम दे दिया। लेकिन वो जान नहीं पाए थे
ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल कुछ, और यही एनालिसिस आगे चल के डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में सहायक हुई थी। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम क्या देखेंगे, जो साइंटिस्ट ने हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए हैं, फिर हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल है और बोहर मॉडल, कैसे एक मॉडल जो है दूसरे मॉडल से अलग है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जे.जे. थॉमसन्स के मॉडल की। अब इसमें क्या है, जे.जे. थॉमसन के मॉडल में हिज मॉडल वाज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते थे उसको, जो है प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए बोलते थे क्योंकि इनका मानना था कि एक एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर है, ये यहाँ पर एक बर्फी टाइप की है या पुडिंग जो होती है स्वीट होती है, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और पूरे इसमें जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग वाटरमेलन खाते हैं या तरबूज जिसको बोलते हैं, तरबूज में जो बीज हैं बाहर, बीज क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये रेडिश कलर का पार्ट है पूरा जो है ये क्या है हमारा प्रोटॉन है। ऐसा जो है मॉडल जे.जे. थॉमसन ने दिया था, और उन्होंने क्या बोला, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल मैग्नीट्यूड में, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे किसी एटम में। हाँ, और इसीलिए उन्होंने बोला कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को जो है बैलेंस कर रहे हैं, ये इनका मॉडल था। लेकिन इसमें दो खामियां थी। आज जैसे हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और ऐसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जैसे इसमें दिखाया है, इन्होंने कंसीव किया था तब 1900 में। ठीक है, तो इसको किसने दूर किया, रदरफोर्ड ने। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का, तो उन्होंने गोल्ड फॉयल ली। अब बच्चे पूछ सकते हैं सर गोल्ड फॉयल ही क्यों ली, एल्यूमिनियम की ले लेते, आयरन की ले लेते, या कोई और मेटल ले लेते, भाई गोल्ड ही क्यों लिया? तो गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है कि गोल्ड इज द हाइएस्ट मेलिएबल मटेरियल अवेलेबल, मतलब उसको इतना ज्यादा थिन फॉयल में बनाया जा सकता है कुछ कहने को नहीं, और बम्बार्डिंग के लिए हमें बहुत ही ज्यादा थिन गोल्ड फॉयल चाहिए थी, जिसके लिए बेस्ट मटेरियल क्या था, हमारा गोल्ड मटेरियल गोल्ड था उस समय। तो रदरफोर्ड साहब ने इतनी थिन फॉयल बनाई, मतलब उसमें इतनी थिन होगी कि करीब उसमें 1000 एटम के आसपास थिकनेस होगी उस फॉयल की। ठीक है, और उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में हम देख पा रहे हैं कि क्या है हमारे फिगर में, ये यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ हमारा जो डिटेक्ट कर रहा है कि रेडिएशंस कहाँ जा रही हैं, और ये फॉयल से हमारे पास बम्बार्डिंग हो रही है, इधर ये गोल्ड फॉयल है और ये अल्फा पार्टिकल्स की जो है बम्बार्डिंग कराई जा रही है फॉयल्स में। अब उसमें हो क्या रहा, तीन तरह की जो है हमने फिनोमेना इसमें ऑब्जर्व किए। कुछ तो जो है पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली बिना किसी डायरेक्शन चेंज के जो है चले जा रहे थे सीधे सीधे, हाँ बिना किसी डिफ्लेक्शन के, लेकिन कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब अंदर क्या है, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा भी है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, और अंदर न्यूक्लियस भी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ करीब 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था कि जो रिबाउंड हो रहा था, सीधे गया और वापस आ गया 180 डिग्री टर्न, कहीं कुछ नहीं, ना बाहर चला गया डिटेक्टर पे गया है वो, और ना ही वो डिफ्लेक्ट हुआ है, सीधे वापस हो गया। ऐसा मानिए कि हमने किसी को गोली मारी और वो गोली हम ही को वापस लग गई आके, मतलब 180 डिग्री रिबाउंड हो गया। तो इससे रदरफोर्ड ने तीन चीजें कंक्लूड करी। वो तीन चीजें क्या कंक्लूजन थे, वो कंक्लूजन ऐसे, कंक्लूजन फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब क्या उन्होंने बताया, ये प्रीवियस स्लाइड में हम देख रहे थे यहाँ पे क्या, ये रेज जो है सीधे चली जा रही है, पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे, यानी कि इससे हमारा क्या निकला कि अंदर जो है खाली जगह है, खाली जगह की वजह से ही सीधे निकल जा रहे हैं। हाँ, तो इससे एक पहले जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई रेज, उससे जो है हमें ये पता चला, नो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, क्या पता चला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और दूसरा जो हमें क्या पता चला, पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। क्यों, डिफ्लेक्शन कम हो रहा था, ये वापस से देखते हैं यहाँ, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है यहाँ पर, ये कम है जो है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे पता चला हमें, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से पता चला।
और फिर क्या पता चला हमें, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन वेरी, ठीक है। अब कैसे ये गई रेज हमारी, सीधे वापस से देखते हैं इसको, ये गई सीधे और यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में बम्बार्ड हुई, वापस आ गई। तो इससे क्या पता चला हमें कि एटम के अंदर बहुत ही कम जगह में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस रिमाउंड से हमें पता चला है। और बाकी ये डिफ्लेक्शन से और जो पास हो जा रही सीधे सीधे, इससे क्या पता चल रहा है एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। जैसे हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स में हमारे मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। हाँ, धरती जो है या अलग अलग गैलेक्सीज बहुत ही छोटी छोटी स्पेसेस में यूनिवर्स, बाकी क्या है, खाली स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो हमें जो है नो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से कुछ बात पता चली, फिर डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से बात पता चली, और रिबाउंड ऑफ अल्फा पार्टिकल से हमें बात पता चली। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी एटम में रोटेट करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि कैसे जो है रिवॉल्व करते हैं। उनका जो है ड्रॉबैक ये था कि जब भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है, तो वो सर्कुलर मोशन जो है कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में कुछ एनर्जी लगती है। अब एनर्जी खर्च हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तो डिसिपेट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस में ही समा जाएगा। तो ये उनका ड्रॉबैक था, जिसको बाद में जो है साइंटिस्ट ने, नील्स बोर ने इसको दूर किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ही प्रपोज पोस्टुलेट्स टू ओवरकम ड्रॉबैक्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बोला ओनली सर्टेन ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होता है, मतलब एटम में भी बहुत ही डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट अलग है, ये ऑर्बिट अलग, एक दूसरे से अलग, एक साथ नहीं, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सारे, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। और वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी को क्या, रेडिएट नहीं करते हैं। और क्या होता है इसमें, और दी यही जो ऑर्बिट होते हैं इनको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। और ये जो नील्स बोर थे, इन्होंने बोला कि ये जो पहला सेल है उसको के सेल नाम दे दिया, फिर सेकंड सेल है उन्होंने एल सेल नाम दे दिया, थर्ड सेल है उसको एम सेल नाम दे दिया, फिर फोर्थ सेल है हमारा ये उसको एन सेल नाम दे दिया। इस तरह से अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए, कि हाँ डिस्टिंक्शन जो है हमें पता चले कि कैसे कैसे ये डिस्क्रीट सेल्स हैं। ये 1 2 3 4 जितने भी, ये चारों जो है क्या है, डिस्क्रीट सेल्स हैं, या जिनको के एल एम एन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, कंजर्व करके रखते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या पता चला कि न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में पता चला, जो कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, 1932 में जेम्स चैडविक साहब ने डिस्कवर किया अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं था। मतलब 32 साल हमें लग गया जानने में कि अच्छा जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन भी होता है, अकेले प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज बट मास इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल और है न्यूक्लियस के अंदर जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, उसका वेट जो है प्रोटॉन के बराबर है, इसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। न्यूट्रॉन क्यों नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम इसलिए दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज था ना ही निगेटिव चार्ज था, यानी चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड नहीं था, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल था ना, मतलब ये रिएक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा या एटम को स्टेबलाइज करने में इसका कोई पार्ट नहीं है, इसलिए न्यूट्रल जो है पार्टिकल है। इस न्यूट्रल पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया, इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। हाँ, और इसको डिनोट किससे करते, स्मॉल एन से, सिंबल है स्मॉल एन। अब इसके बाद हमें क्या पता चला, देयरफॉर द मास ऑफ एटम इज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि यहाँ हम बगल में पिक्चर में देख लेंगे क्या है, ये जो न्यूक्लियस है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं कि हम ये प्रोटॉन्स हैं हमारे, फिर ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो पूरा मास है सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियस का हमें वेट पता चलता है, और पूरे एटम का जो है वेट पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो है वेट बहुत नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत फर्क नहीं डालता है किसी एटम के वेट में। एटम का वेट मोस्टली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल, हम देखते हैं क्या है डिस्क्रिप्टिव मॉडल ये हमारा। देखो
1803 में जॉन डाल्टन ने बोला कि एटम ही सब कुछ है, एटम को जो है सब डिवे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो लोग मानते रहे मानते रहे। फिर जे जे थॉमसन साहब आए, उन्होंने बोला नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। हाँ, बाद में जो है ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट, नाल रेस के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि नहीं प्रोटॉन भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने बताया नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि कैसे करते हैं। उसकी कमी किसने दूर करी? वो नील्स बोर साहब ने दूर कर दी कि नहीं, उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है हमारे रोटेट करते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं, एनर्जी लूज नहीं करते। लेकिन इनके मॉडल में भी खामियां थी। जब आप और हायर क्लास में जाएंगे तो अरविंद श्रोडिंजर का एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं, क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। उसमें आप जानेंगे कि ऑर्बिट के अलावा ऑर्बिटल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का शेप कैसा है, राउंड है, डंबल है, डबल डंबल है, कैसा शेप है, उसके शेप के बारे में आप जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का शेप कैसा है और पूरा एटम कैसा जो है कंप्राइज होता, कैसी उसकी एनाटॉमी है। एटम की एनाटॉमी के बारे में अरविंद श्रोडिंजर ने काफी डिटेल में फिर आगे बात करी। अब आप ये पूछेंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन का? भाई नील्स बोर साहब ने बोल तो दिया ऑर्बिट होंगे, सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम कैसे जानेंगे? तो उसकी उन्होंने जो है विधि बताई, मेथड बताया कि ऐसे जो है दूर होंगे या ऐसे जो है हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में। तो क्या उन्होंने रूल्स बताया? एक रूल दिया उन्होंने 2n² का, जहां पे n क्या था, n जो है ऑर्बिट नंबर था, जो 1 2 3 हम करके अभी पीछे देखे थे वही जो है ऑर्बिट नंबर थे। हाँ, और ऐसे जो है हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे अभी आगे। हाँ, और उन्होंने क्या बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मतलब किसी एटम के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ये उन्होंने नियम दिया। और उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि सर पहले हम जो है फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कुछ डाल देते हैं, फिर थर्ड में डाल देते हैं, फिर सेकंड में डाल देते हैं, फिर फोर्थ में डाल देंगे, नहीं ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन सीरियल वाइज फिल होंगे। सबसे पहले वन सेल फिल होगा, फिर सेकंड सेल फिल होगा पूरा, फिर जब सेकंड सेल पूरा फिल हो जाएगा तो फिर थर्ड सेल फिल किया जाएगा, उसके बाद हमारा जो फोर्थ सेल फिल किया जाएगा, फिर ऐसे सो ऑन जो है सेल्स फिल किए जाएंगे। प्रॉपर स्टेप वाइज मैनर में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, तभी एनर्जी जो है उसकी कंजर्व रहेगी। अब जैसे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम बताते हैं इसको। सपोज जो है हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7, ठीक है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरने, हमें ये तो पता है कि टोटल देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में, लेकिन इसको फिल कैसे करेंगे हम इसके ऑर्बिट्स में, इसको हमें देखना पड़ेगा जो कि कैसे देखेंगे इसको। देखो अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने रूल्स क्या बताया था, 2n² बताया था। अब 2n² के हिसाब से k में क्या था, k इज इक्वल टू 1, फिर k के बाद l था, l इज इक्वल टू 2, और k l के बाद m, m इज इक्वल टू 3, फिर n, n इज इक्वल टू 4, और ये जो है 1 2 3 4 क्या, ये है हमारा n। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास, 2n² लगा देते हैं, यानी 2 × 1² इज इक्वल टू 2। मतलब पहले सेल में, नाइट्रोजन के पहले सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, ये कहाँ जाएंगे, ये अगले सेल में जाएंगे। मैक्सिमम पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे बोहर और बारी के रूल्स के हिसाब से, यानी कि अगला सेल हम ड्रॉ करेंगे। देखो अगला सेल ड्रॉ किया, अब फिर अगले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 × 2² विच इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, 2 = 8। अब टोटल हमारे पास कितने बचे, कितने हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। कैसे 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 इसमें भर दिए हमने और 7 थे ही हमारे पास टोटल यहाँ पर, तो कितने, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से हम
इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, सोडियम का हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब इसमें कैसे भरेंगे, सिंपल वही, यहाँ हमने ये Na बनाया, Na का ये सेल बनाया हमने, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे पास, अभी कितने बताए थे हमने, दो इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, किससे, बोरेन बरी रूल से, यानी कि एक और दो। अब हमारे पास कितने बचे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, अभी अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए 9, यानी कि बाकी कितने जाएंगे, अगली ऑर्बिट में जाएंगे। अब अगली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कितने, ये आप बताइए हमें जरा, तो कितने जाएंगे, 8 जाएंगे हमारे पास, यानी भर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन अभी क्या, अभी तो सिर्फ इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन भर पाए, अब कितने और बच रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहा है, तो नेक्स्ट सेल का हम काउंट करेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में, 18 जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचा कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो थर्ड ऑर्बिट में हम एक इलेक्ट्रॉन और शो कर देंगे। इस तरह से हम जो है फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिट में 2n² रूल्स को लगाते हुए, ठीक है। इसको जो है बहुत ज्यादा हमें ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, 2n² को बिल्कुल बाई हार्ट रखना है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और सीरियल से भरेंगे, पहले के भरेंगे, फिर एल भरेंगे, फिर एम भरेंगे, फिर आगे चल के एन भरेंगे, या 1, 2, 3, 4 करके ऐसे भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी नोटेशन को दिखाते टाइम, एलिमेंट की या एटम की। जैसे कि हमने यहाँ सोडियम और नाइट्रोजन दो एग्जाम्पल लेके आपको दिखाए, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, अब वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होता है हमारे पास, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट है डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। हर एक एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एटम कैन वेरी फ्रॉम 0 to 4, 0 से 4 के बीच में हम वैलेंसी वेरी करती है। और आउटर मोस्ट वैलेंस सेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स विद एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हमने ऐसा क्यों बोला हाइड्रोजन एंड हीलियम का एक्सेप्शन यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के पास जो है, हाइड्रोजन के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मैक्सिमम अपनी ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन पोजेस कर सकते हैं, वो 8 नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको हम बोलते हैं, हीलियम को जैसे हम बोलते हैं कि वो डुप्लेट रूल से स्टेबल है, बाकी सारे किससे स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट से स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट के बारे में भी हम जानेंगे। और एटम हैविंग कंप्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शोज लिटिल और नो केमिकल रिएक्टिविटी। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे हैं, तो वो बिल्कुल भी कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा, या बोलेंगे कि हम वो केमिकली इनर्ट है, और उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, सिंस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, सिंस इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी हमारी नोबल गैसेस हैं, हीलियम ले लो, आर्गन ले लो, नियॉन ले लो, क्रिप्टन ले लो, ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे हमारे जो है इनके जो है ऑक्टेट कंप्लीट हैं, जिनकी वजह से ये मैक्स और रिएक्टिविटी नहीं शो करते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास जानने के लिए। और एटम्स रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंस सेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व गेनिंग और लूजिंग, एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड और लॉस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट विच डायरेक्टली गिव्स वैलेंसी, ठीक है। इसी से हमें वैलेंसी के बारे में पता चलता है। और लास्ट में हम ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में और जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर, इसको जेड से डिनोट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम, मतलब इस करते हैं, ए से करते हैं। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब नोटेशन कैसे दिखाते हैं, सपोज हमारे पास जो है नाइट्रोजन का वो दिया हुआ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर क्या 14 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे ऊपर एक सिंबल से दिखा रखा है, हाँ इसको यूज करेंगे। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है हमारे पास, एन है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, 7 सबस्क्रिप्ट पे लिख दिया, और मास नंबर क्या है उसका 14, ये सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। दिस इज द नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी एटम और एनी एलिमेंट विद मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर,
बिल्कुल लास्ट में आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जान लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट, दीज आर स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम एंड ऑर्गन, लेकिन ये स्पीसीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आइसोटोप्स के एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास? यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज होता है, कोबाल्ट हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम एंड करते हैं। थैंक यू जी, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आप अभी पढ़ रहे थे और इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए थे सुधांशु शर्मा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एटम के स्ट्रक्चर को समझने में साइंस का जो ये क्लास था, सेशन था, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत आसानी हुई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सुधांशु सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को चलते चलते एक जानकारी दे दें, ज़रूरी जानकारी है जो आपके लिए काम की हो सकती है। आप जानते हैं एकेडमिक सेशंस 2023 और 24 में कई सारी पाठ्य पुस्तकें आपकी बदल गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, और अगर आपने अब तक नहीं ली है या नहीं ले सके हैं तो अभी भी आपके सामने विकल्प हैं। आप NCERT के सेल्स काउंटर्स पर विजिट कर सकते हैं, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं, जो सप्ताह के 7ों दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच में खुले रहते हैं। और इसके अलावा घर बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपकी पुस्तक डिलीवर हो जाएगी। इसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट ncertbooks.ncert.gov.in पर, और सबसे आसान उपाय है PDF वर्जन डाउनलोड करने का, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT ई पाठशाला और दीक्षा की वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के माध्यम से, और अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इसे आप पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहते हुए अपनी जो शिक्षा की प्रक्रिया है, पद्धति है, उसे आगे जारी रखिए, और लगातार जुड़े रहिए NCERT CIIT के इस प्रोग्राम के साथ, ई विद्या के साथ, तमाम शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।